मैं बताना चाहता हूँ कि जन्माष्टमी की सेलिब्रेशन जो धर्मार्थ करती है हर साल, और ये हर साल का सेलिब्रेशन के पीछे हिस्ट्री है। आप सबको मालूम होगा कि 3228 बिफोर क्राइस्ट लॉर्ड कृष्णा का जन्म हुआ था। आज कितने साल हुई है? 5225 साल हुई है। 5225 साल का युगों से हम श्री कृष्ण का, कृष्ण भगवान का हम जन्मदिन मना रहे हैं। और जब से हमारे डोगरा राज हुआ, महाराजा गुलाब सिंह ने ये राजवंश शुरू किया यहाँ पर, तब से उन्होंने एक रथ बनाया जो कि हमारे आज भी हम उसको बड़े प्रॉपरली केयर करके उस रथ को रघुनाथ मंदिर में एक उसके लिए पक्का गैराज बना के उसकी बड़ी केयर के साथ हम उसको रखते हैं। और अभी तक वो रथ हर बार श्री कृष्ण को उसमें हम बिठाते हैं, क्योंकि वही एक दिन होता है साल में जब श्री कृष्ण अपना मंदिर का घर छोड़कर जम्मू के निवासियों के पास बाहर जाते हैं अपने दर्शन देने के लिए। आपके थ्रू मैं जम्मू के निवासियों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बड़े नंबर में पूरी फैमिली के साथ आप आइए और इस मौके का फ़ायदा उठाइए, भगवान कृष्ण के आप दर्शन करें, उनकी शुभकामनाएँ आशीर्वाद हासिल करें। तो ये जो सिलसिला है तब से हमने शुरू किया हुआ है, और हर जन्माष्टमी में हम इसको बड़े शौक से जम्मू के निवासियों के साथ मिलकर, खासकर मैं इसमें मेंशन करना चाहता हूँ कि हमारे सनातन धर्म वाले जो हैं ददीची साहब और उनका पूरा जो अफसर साहब हैं, प्रभात है, सेक्रेटरी है उनका, जनरल सेक्रेटरी, और युवा ये कौन से युवा मंडल वाले जो है वो भी इसमें बहुत योगदान देते हैं, क्योंकि उन्हीं की झांकियां जो हैं जम्मू शहर में। आप लोग तो एक जगह चल के, नॉर्मली लोग एक जगह झांकी के साथ चलते हैं, पर एक जगह खड़े होकर अगर आप देखोगे तो कभी कभी तो 30-40 झांकियां निकलती हैं। एक अपना ही नज़ारा होता है, और ये प्रभु की कृपा होती है कि इतनी अच्छी झांकी हम निकाल सकते हैं। पर ये धर्मार्थ अकेले नहीं करता, इन सब संस्थाओं के साथ मिलकर हम ये काम करते हैं, और मैं धर्मार्थ की तरफ से इन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये हमारे साथ योगदान देकर इस यात्रा को बड़ा सफल बनाते हैं। इसी के साथ मैं अपना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और बाकी जितने भी हमारी बाज़ार की एसोसिएशंस हैं जहाँ से हम ये यात्रा करते हैं, उन सब का भी आभारी हूँ कि वो सब हर साल इसमें बड़ा योगदान देते हैं और रथ को, भगवान कृष्ण को बड़े ही श्रद्धा के साथ रिसीव करते हैं, पूजा करते हैं। तो उसमें एक हम लोगों को और आप सबको भी बहुत एक अलग ही खुशी होती है। अब रहा बात रूट्स वगैरह के, आप सबको मालूम है रूट्स, सेक्रेटरी साहब अभी आप उसके बारे में आपको डिटेल में बता देंगे। थैंक यू। धर्मा ट्रस्ट का सहयोग हमारा जो है, हमारे जो पूजा रघुनाथ मंदिर में कृष्ण भगवान की होती है उसमें आपको सबको मालूम है कि 56 किस्म का भोग लगता है, 56, वो सारे भोग उस दिन बने होते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार उस मेन मंदिर में जाकर दर्शन जरूर करें, आप देखेंगे कि किस तरह से हम ये इस जन्माष्टमी को मनाते हैं, वहाँ जाके ही पता चलेगा आपको। और उसके साथ 56 भोग के साथ साथ 8 किस्म के फ्रूट्स के बड़े बड़े ठोकरे, हर चीज़ उसके साथ पूरे लोगों के लिए प्रसाद जो कि सुन पुंजीरी प्रसाद हम सबको देते हैं, और फिर एक भजन संध्या भी रखी हुई है 26 तारीख को 7 बजे शाम को संध्या वो भी रखी है। एक चीज़ मैं भूल गया था बताना आप लोगों को, क्योंकि ये हमने सनातन धर्म के साथ मिलकर संडे को रखी है, सैटरडे को रखी है, क्योंकि बीच में संडे आ रहा, तो सैटरडे को यात्रा होगी और
फिर मंडे को तो खैर 26 तारीख है। हाँ जी, कलाकारों को भी सहायता देते हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं जो जो हमको अप्रोच करता है हम उनको मॉनेटरी सहायता भी देते हैं। जैसे कि अभी प्रेसिडेंट साहब ने आपको पूरा ब्रीफ करके बताया है कि जन्माष्टमी हम लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जन्माष्टमी हम लोग मिलकर धर्म सनातन धर्म सभा और धार्मिक युवक मंडल मिलकर ये चीज़ हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और जन्माष्टमी से पहले हम लोग एक दिन पहले रथ यात्रा निकालते थे, क्योंकि 25 तारीख को संडे है, रविवार है, पूरी मार्केट जो है वो बंद रहती है। तो उनके साथ बात करके और सब संगठनों ने डिसाइड किया कि हम लोग यात्रा सैटरडे को 24 तारीख को हम लोग निकाल रहे हैं। अभी डीसी साहब ने मीटिंग रखी थी, तो जो रूट है उसके लिए हमने थोड़ी सी पार्शल मॉडिफिकेशन की है। जैसे कि जो झांकियां हैं वो असेंबल होती हैं गीता भवन के पास, वहाँ से स्टार्ट होगी, वो सीधे शालामार से होते हुए हरी मार्केट रघुनाथ मंदिर में आएंगी, वो ज्वाइन करेंगी। मेन जो जैसे प्रेसिडेंट साहब ने कहा, जो रथ है हमारा वो मेन रथ है भगवान विष्णु जी का, तो वहाँ से हम लोग रघुनाथ मंदिर से होते हुए बीर मार्ग जाएंगे, बीर मार्ग से शहीदी चौक, शहीदी चौक से राजेंद्र बाज़ार, राजेंद्र बाज़ार से कनक मंडी, कनक मंडी से हम लोग सिटी चौक आएंगे, सिटी चौक से दोबारा हम लोग ओल्ड हॉस्पिटल रोड से पुरानी मंडी तक, पुरानी मंडी से लिंक रोड, लिंक रोड जैन बाज़ार, चौक चबूतरा, पक्का डंगा, मोती बाज़ार, मोती बाज़ार से होते हुए हम लोग गीता भवन की तरफ आ रहे हैं। वहाँ से शालामार, रणवीरेश्वर मंदिर से शालामार, सिटी चौक, फिर रघुनाथ बाज़ार और रघुनाथ मंदिर कम्प्लेक्स में जो यात्रा वो कल्मिनेट होगी। तो उसमें अगर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ये की है कि जो राज तिलक वाली रोड है हम लोग दोबारा उस रूट पे यात्रा नहीं लेना चाहते हैं, कि यात्रा जो है वो अलग रूट पे जाए ताकि सभी लोगों को उसका दर्शन करने, भगवान कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए सुविधा मिल सके। तो बाकी 26 को जन्माष्टमी है, जैसे साहब ने बताया, इसमें एक भजन संध्या हम लोग करवा रहे हैं जो 7:30 बजे स्टार्ट होगी और रात के 12:30 बजे तक वो चलती है, जिसमें बहुत से श्रद्धालु डिवोटीज़ वगैरह, टूरिस्ट वगैरह बहुत से यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और भगवान की जो आरती रात को होगी मंगल आरती, उसमें सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं। और आपको जैसे पता गया जन्माष्टमी में कृष्ण जी का जो भोग प्रसाद होता है वो स्पेशल बनता है।